एक तरफ जहां पहाड़ों में किसान जंगली जानवरों के आतंक से पारंपरिक खेती से मुंह मोड़कर अन्य प्रकार की खेतियों से जुड़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार भी उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ उनका सहयोग भी कर रही है। कुछ ऐसा ही उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हो रहा है। यहाँ हवालबाग विकास खंड में सरकार ग्रामीणों को रेशम उत्पादन में सहायता कर आत्मनिर्भर बना रही है। हवालबाग क्षेत्र के खूंट, धामस और भकड़ गांव मॉडल आजीविका क्लस्टर योजना के तहत विकसित हो रहे हैं। इन तीन गांवों की 12 हेक्टेयर भूमि में शहतूत के पौधे रोपकर यहां के ग्रामीणों को रेशम उत्पादन से जोड़ा जा रहा है, जिससे ग्रामीण अपनी आय में सुधार कर सकेंगे। रेशम विभाग 5.5 लाख रुपए से अधिक की लागत से 12 हेक्टेयर भूमि पर 9000 शहतूत के पौधे रोपेगा। मॉडल आजीविका क्लस्टर योजना के तहत प्रथम चरण में हर गांव से 10-10 ग्रामीणों का चयन किया गया है और अगले चरण में अन्य ग्रामीणों को योजना में शामिल किया जाएगा। विभाग किसानों की निजी भूमि पर शहतूत की नर्सरी तैयार कर कीट पालन के लिए ग्रामीणों को भवन उपलब्ध कराएगा। भवन बनने के बाद ग्रामीण आसानी से रेशम उत्पादन कर आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाएंगे और उन्हें इसके लिए किसी भी प्रकार का धन खर्च नहीं करना होगा। इस पहल से रेशम विभाग न सिर्फ किसानों को रेशम उत्पादन से जोड़ने का काम कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में भी सहयोग कर रहा है।